नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी फिट होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की स्टार्टिंग की है मैंने सुबह से, और सुबह के टाइम पे क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, सब दौड़ भाग वाला मचा रहता है। तो आज मैंने हेयर वॉश करे हैं और आ गई हूँ कपड़े सूखने के लिए, डाल दूँगी। तो यहाँ छत पे आई हूँ, आज मैंने आंगन में नहीं डाला है क्योंकि क्या था, हाँ घर वर लीपना था, तो जिसके चलते मैंने सोचा चलो जल्दी से ऊपर ही डाल देते हैं वरना बार बार हटाना पड़ेगा, तो इसलिए। और ये सारे कपड़े सूखेंगे, शाम तक आराम से सूख जाएंगे क्योंकि अब धूप उतनी तेज़ नहीं होती है कि एक दो घंटे में सूख जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। और बालों को भी सूखने के लिए खुले ही छोड़ दूंगी। अब चलेंगे हम नीचे। तो सबसे पहले मैंने देखो इधर ना चाय और दूध ये सब चढ़ा दिया है, इधर ये सब बनेगा। और ज्ञानू टीवी देख रहा है, दिखाती हूँ अंदर घुसा हुआ है, और वो उधर मिश्रा जी बैठ के पूजा कर रहे हैं। मम्मी उधर आज बना रही हैं दाल का, दाल की एक सब्जी बनती है जो पुराने जमाने में बनती थी। पुराने टाइम पे हम लोगों को, हम मतलब पुराने टाइम पे गुड़ बनता था, तो मुझे गुड़ दे दो। तो पुराने टाइम पे बनती थी, आज वैसी वाली सब्जी मम्मी बनाएंगी, तो मुझे भी सीखनी है क्योंकि वो सब्जी ना मुझे चावल के साथ खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो इधर सबसे पहले चाय वाय बना के फिर जाऊंगी उधर बैठूंगी और मम्मी के बगल में सीखूंगी। सबसे पहले बिंदी लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी बिंदी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा उड़द की दाल, धोई जा रही है अभी इसको, मतलब धोया जा रहा है। तो ये इतनी सी उड़द की दाल है और ये है हमारे खेत की दाल। तो मटर की दाल थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी, इसलिए इसको मम्मी ने बोला कि इसको भी आज कुछ बनाएंगे, तो देखो क्या बनाती हैं। तो इसको मैं पीसने जा रही हूँ। और ये इधर इतनी उड़द की दाल है और ये रही चने की दाल। तो चने की दाल मैं अभी पीस रही हूँ, आज बहुत अच्छी सब्जी बनने वाली है, मेरी फेवरेट है। तो रिकवच अगर आप लोग जानते होंगे ना, तो रिकवच, तो उसके लिए मैं इसको सबसे पहले पीस लेती हूँ। तो ये देख सकते हो इसमें मसाला लिया है, ये मसाला पीसूंगी। और इसमें है लहसुन, मिर्ची और जितने भी गरम मसाले होते हैं ना, जैसे इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च वगैरह, सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल ली हैं और इनको पीस के तैयार कर लेना है मसाले के लिए। तो इसे एक बड़ा ही अच्छा सा स्वादिष्ट स्वाद आता है। तो इसमें सबसे पहले ये वाला मसाला डाल के दाल पूरी तैयार कर ली गई है। अब इसको इसमें ना नमक मिक्स कर दिया गया है और अब इसकी बनेंगी लंबी लंबी सी पकौड़ियाँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये रही पकौड़ियाँ, ये दाल की हैं, तो अभी इनको खाएंगे। और इनमें ना तेल बहुत ही कम पड़ता है, ये पानी में पकाई जाती हैं, तेल बिल्कुल हल्का सा डालते हैं। ये देखिए, तो ये कुरकुरी नहीं होती हैं, ये बस ऐसे खुश्क सी होती हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। इनको ना चटनी के साथ खाया जाए, टमाटर वाली, मजा आ जाएगा। तो ये रिकवच बनाएंगी मम्मी, और आज मम्मी चूल्हे पे खाना बना रही हैं क्योंकि अब ठंड भी होने लगी है, तो चूल्हे में बनाने का अपना ही मज़ा होता है। और ये देखिए, ये रिकवच होती है, इसमें कुछ ऐसे लंबी लंबी सी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं और बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये दाल की पकौड़ियाँ हैं और इसमें मसाला वगैरह जो भी मैंने आपको दिखाया ना, सारी चीज़ें डालते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि नमक आप तब मिलाओ जब आप ये बिल्कुल जस्ट पकौड़ियाँ बनाने जा रहे हो तब,
वरना अगर आप पहले मिला दोगे ना तो काफ़ी पतला हो जाएगा बेटर, जिस वो मतलब दाल बहुत पतली हो जाएगी जिससे कि बनाते नहीं बनेगा। तो इनको कुछ ऐसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, बहुत अच्छे नहीं बस हाफ फ्राई करना होता है। तो और इनको कुछ नहीं, बस इनमें ना थोड़ा सा पानी डाल के इनको पकाना होता है, दाल पूरी तरह नहीं पकाना होता क्योंकि अभी बाद में पक जाएगी। तो बस इनको ऐसे कलहार लेना है अच्छे तरीके से, कलहारने के बाद फिर इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अलग बर्तन में निकाल के इसमें फिर से तेल डालते हैं सरसों का। तो इसमें ना सरसों का तेल ही यूज़ होता है, दूसरा कोई तेल नहीं डालते हैं। और ये यूपी की स्पेशल सब्ज़ी है, इसको शायद यूपी के गांव में बहुत से लोग जानते होंगे और मेरे मायके में भी बनती है, यहाँ पे भी बनती है। तो अगर आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बस फ़र्क इतना है कि हमारे यहाँ इसको करैल बोला जाता है और यहाँ पे रिकवच बोलते हैं, दाल का रिकवच। तो सबसे पहले तेल में डाला गया है हींग और जीरा का तड़का दे दिया गया है। अब उसके बाद डाल देते हैं घी वाला मसाला और फिर इसको पकने देते हैं। तो जितना भी मसाला था उसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया गया है, सारा मसाला और तेल बिल्कुल अलग अलग हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखो जो कलहार के थोड़ी सी दाल रखी गई थी ना, उसको भी इसी में डाल दिया गया है, पानी मतलब पानी के साथ घोल करके डाला गया है। तो आप इसको कितना भी पतला करना चाहो आप कर सकते हो, पानी ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो आप इसमें पानी कितना भी डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि थोड़ा सा पतला ही रखना, क्योंकि ये पतला इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है चावल के साथ खाने में। और नमक डाल दिया है, नमक डाल के इसको ढक दिया गया है। अब इसको एक बार जब ये उबल जाएगा ना अच्छे तरीके से, तब इसमें वो पकौड़ियाँ जो हमने बना के रखी थी उनको डाल देंगे। तो जैसे जैसे सेम प्रोसेस होता है जैसे हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना, बस सेम वैसा ही होता है। इसमें बेसन की जगह पे दाल का यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, वैसा ही बनता है। तो ये यूपी के गांव का एक बहुत ही प्रसिद्ध सब्ज़ी है और यूपी के जो भी गांव से रिलेटेड है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको सबको पता होगा। अगर आप भी यूपी से हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप जानते थे ये वाली सब्ज़ी या फिर नहीं जानते थे। तो इसको अच्छे तरीके से उबलने देंगे, थोड़ा सा गड्ढा और हो जाएगा, फिर उसके बाद बनेगा और लेके चलेंगे हम लोग, सर्व करेंगे इसको और खाएँगे मस्त। तो भगवान को भूख लग गया है और खाना बन गया है, ज़्यादा गीला है। और देखो मिश्रा जी के पास लेके चलते हैं और ज्यादा कैसा बना अब इसको पी के बताते हैं। नाटक न करो, सही से बताओ कितना कैसा बना। दोनों चीज पीने योग्य। अरे सब्जी अच्छी बनेगी नहीं, सब्जी तो फर्स्ट क्लास बनी है, तो चावल भी पी सकते हैं। बेइज्जती कर रहे हो। वाह भाई वाह। तो इतने सुंदर फूल खिले ना, इतने सुंदर फूल खिले हैं कि क्या ही बताऊं। चलो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, और इतने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। और हाँ, आज आप लोगों को ना बताना है किसी के बारे में, और वो है मेरी फ्रेंड रेनू। और व्लॉग विद रेनू आप सभी जानते होंगे ना, तो बहुत हमारी प्यारी दोस्ती, पुरानी दोस्ती है। लॉकडाउन के टाइम पे हम दोनों ने इतना सफ़र किया एक साथ में, मतलब बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि आप सबको पता है लॉकडाउन में ना अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई थी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष किया, खैर भगवान की दया थी उस पर कि उसका चैनल चल निकला और उसके ऊपर भगवान ने दया दिखा दी, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगा था पता है कि वो भूल जाएगी, बट अचानक से उसने मेरे लिए जो किया ना, कि शायद ही कोई किसी के लिए करता है। थैंक यू सो मच रेनू, थैंक यू यार। मुझे नहीं भरोसा था तक कि तुम अपनी कम्युनिटी में डालोगी, और मैं तुमको याद भी हूँ, बट आंसू ला दिए तुमने मुझे, थैंक यू सो मच।